त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान आज मथुरा में सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं, जिसके लिए जहां जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ कोरोना के सभी नियमों का पालन कराने के लिए सभी मतदाताओं के साथ मतदान कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के लिए डीएम नवनीत चहल और एसएसपी गौरव ग्रोवर अपने दल बल के साथ मतदान केंद्रों के निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं कि जो लोग मतदान करने वाले हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं एसएसपी ने बताया कि यहां चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, जबकि जो लोग शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हैं ऐसे लोगों पर खासा नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जबकि मांड के कई मतदान स्थलों पर सुबह 7 बजे से और अब तक 25% वोट डाले जा चुके हैं। उसकी किस तरह से व्यवस्था चल रही है और अभी तक यहाँ पे क्या पाया गया है? आज जनपद भर में सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरे जनपद भर में हो रहा है। पूरे जनपद को सेक्टर्स और जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। 121 सेक्टर्स और 19 जोन्स के सभी अधिकारीगण लगातार भ्रमणशील रहकर और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं, जिनके द्वारा भी लगातार भ्रमण कर इंश्योर किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण मतदान हो। जो अति संवेदनशील प्लस हमारे मतदान केंद्र हैं वहाँ पर वीडियो कैमरा की व्यवस्था कराई गई है और संवेदनशीलता के हिसाब से ही विभिन्न जगहों पर पुलिस बल की भी पर्याप्त रूप से तैनाती की गई है, तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। बड़ा पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जनपद भर में चल रहा है। देखिए, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जनपद मथुरा में मतदान हो रहा है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस ऑफिसर्स और जो हमारी क्लस्टर मोबाइल हैं, थाना मोबाइल हैं, लगातार भ्रमण कर रही हैं। विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है जिनका पहले से ही रिकॉर्ड खराब है या जिनके द्वारा किसी भी तरह से चुनाव में व्यवधान डाला जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस कर्मियों के साथ या चुनाव में लगे हुए हमारे प्रशासन के कर्मियों के साथ किसी प्रकार की अभद्रता करता है उसके ऊपर भी सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरा से नज़र रखी जा रही है। जहाँ भी कोई ऐसी बात सामने आएगी सख्त आदेश दिए गए हैं कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करें। जो व्यक्ति मतदान करना चाहते हैं बिना किसी डर भय के, बिना किसी प्रलोभन के आएं और अपना मत का प्रयोग करें और इस जो हमारा लोकतंत्र का महान ये पर्व हो रहा है इसमें अपनी सहभागिता करें और हमारा सहयोग करें। और इसी बीच मतदान केंद्रों पर जाकर न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की टीम ने जायजा लिया है। देखिए, मथुरा में आज त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान हो रहे मतदान के लिए यहाँ पे राया क्षेत्र में ये प्राथमिक विद्यालय सवलिया में एक बूथ बनाया गया है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से ही लोगों का जो है उत्साह है वो देखते ही बनता है और वोटों के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो वोटर हैं वो यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से लाइनों में लगकर सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं ताकि उनके गांव की सरकार चुनी जा सके। यहाँ से आज जो है प्रधान और VDC के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य के लिए ये मतदान हो रहा है। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये भीतर जो ये पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं और यहाँ पर जो मतदान कर्मी है वो सभी लोगों के हाथों पर स्याही लगा रहे हैं, उनकी पर्चियों को देख रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, वहीं मास्क भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा। कुछ और लोग हमारे साथ इधर हैं, हम इनसे बात करते हैं और किस तरह की जो है वोटिंग है वो यहाँ की जा रही है। ऐसे ही कुछ लोग और साथ हैं जो वोट डालने आए, उनसे बात करते हैं। भैया, किस तरह की समस्याओं को लेकर वोट कर रहे हैं आप, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? गाँव में प्रत्याशी चाहते हैं जो निष्पक्ष अपना काम करे और गाँव में ऐसे मुद्दे होते हैं लोगों का, जैसे खंजे हो गया, पढ़ाई वढ़ाई स्तर हो गया, स्कूल में शिक्षा का जो लेवल है काफ़ी कम है यहाँ पे दिखाया जाए, तो स्कूल का शिक्षा का लेवल काफ़ी बढ़ाया जाए और गांव में जो विकास कार्य लाइट हो गई, खरंजे के कार्य काफ़ी अधूरे पड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को तो जो सही कर सके उसके लिए वोट डालेंगे और गांव डालने जो वोट डाल लें हम काफ़ी लोगों में हर्षोल्लास से वोट डाल लें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं काफ़ी। किस तरह की यहाँ पे देख रहे हैं, क्या कभी कोई अभी तक कोई झगड़े की वैसे कोई यहाँ पे कुछ तस्वीरें देखने को मिली? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला यहाँ पे तस्वीरें कोई, और खूब बढ़िया तरह मतदान हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह से जो नेता चुनाव में घर जा जा करके बड़े वायदे करते हैं ऐसे चुनाव और फिर बाद में भूल जाते हैं, उस प्रत्याशी के लिए ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को तो देना ही मना है और अपना प्रत्याशी चुनो जो ईमानदार हो उन्हें और काम बढ़िया कराए उसको चुनो। तो विकास के लिए वोट कर रहे हैं आप? जी जी। तो यहाँ देखा कि इन लोगों का सभी का एक ही जो है मत है और वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का, उनके गाँव का जो प्रधान या VDC या जिला पंचायत सदस्य आ जाए वो उनके क्षेत्र का विकास करे और विकास को लेकर की वो यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं। अब देखते हैं कि इनके द्वारा किस तरह के जो प्रत्याशी हैं उनको चुना जाता है और आज
शाम तक उनके जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का जो है वो इन मत पेटियों के द्वारा अगले 2 तारीख को फिर उनका खुलासा होगा और आगे जाके किसके भाग्य में ये ताज बनता है। सुरेश सैनी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मथुरा।